जय मेवाड़, जय उदयपुर, जय चित्तौड़गढ़। देखें सीधा दृश्य, हम आपको ले चलते हैं आज चित्तौड़गढ़ की शहर पे सुंदर दृश्यों के साथ। आज परम सौभाग्य की बात है कि चित्तौड़ में हमारी यूनियन की बैठक हुई, घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन का जो है यहाँ पर एक संगठन बनाने जा रहे हैं। आज संभागीय स्तर का संगठन आज हम तैयार करेंगे। इसी दौरान आज चित्तौड़ की इस वीर भूमि पर हमें आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ है। तो आप देखें चित्तौड़गढ़ के एक एक दरवाजे, एक एक नकाशी, एक एक झरोके, मंडल पोल। ये कौन सी पोल है? मंडल पोल। बादल मंडल पांडल मंडल पोल पांडल पांडल। अच्छा, पांडल पोल से हम अभी गुजरे हैं और अभी श्याम जी भाई साहब एक एक जानकारी देते रहेंगे और हम भी सुनते रहेंगे। बड़े भाई साहब, बहुत ही प्राचीन चित्तौड़ का इतिहास रहा है, मेवाड़ के राजाओं का यहाँ पे इतिहास रहा है, गोहिल वंश का इतिहास रहा है, सिसोदिया वंश का बड़ा इतिहास रहा है। कितने ही तुर्क और कितने ही बाहरी आक्रमणकारियों ने इस पर, बड़े से बड़े आक्रमणियों ने इस पर कई बार इसको क्षति पहुँचाई है। जौहर की हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में चित्तौड़ का नाम सबसे पहले आता है कि जौहर पद्धति यहीं से शुरू हुई थी। प्राण जाए पर वचन न जाए, जैसे शब्द थे जो निकले गए थे वो यहीं से, मेवाड़ की इसी धरती से निकले गए हैं। जो सुंदर शब्द हैं आज भी उनका पालन किया जाता है। आइए, एक पोल और आ रही है, इस पोल के बारे में जानते हैं। कौन सी पोल है ये? दरवाजे, कुल कितने दरवाजे हैं यहाँ? सात दरवाजे हैं। सात दरवाजे हैं। और काली कल्याणी धाम आने वाला है, कालका माता का मंदिर है शायद ये। कालका माता अच्छा, माता जी का मंदिर है, वीर शिरोमणि का मंदिर है। ये सामने एक और पोल आ रही है। बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हमें चित्तौड़ में देखने को मिलती है, सुंदर सुंदर दृश्य, सुंदर सुंदर नज़ारे। हनुमान पोल, हाँ हाँ, जोरदार हनुमान पोल पे आगे है। जय बजरंग बली की जय हो। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले, बोल रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। हमारे राजा महाराजाओं ने ऐसे सुंदर सुंदर काम करके हमारी इस मेवाड़ की तरह धारा और परंपरा को जीवित रखा है। आप देखें कितनी ऊंची दीवार है, उस ज़माने में ऐसी दीवारें बनाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। देखिए महल, देखिए आप यहाँ की, ओहो देखो ऊंचाई, देखो यहाँ से बिल्कुल पहाड़ के ऊपर टिकी हुई है। आप दीवार देखें कि इस ज़माने में सीमेंट से लगाते, इतनी मजबूती नहीं आती जैसे उस ज़माने में धातुओं से बनाई गई दीवारें, चूनों से बनाई गई है मजबूत दीवारें लोहे की तरह। तो मेवाड़ की माटी तो अपने आप में बहुत व्याप्त है। ये है जोरला पोल, तो देखें बहुत ही गजब की, देखिए सीढ़ियाँ देखिए आप ऊपर से, सामने जो खांचे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, पोल ये लक्ष्मण पोल है। तो दोस्तों आपको वीरभूमि चित्तौड़गढ़ की शेयर करा रहे हैं। राम पोल है, अंतिम पोल है, ये सबसे बड़ी पोल है। आप देखिए हमारे राजा महाराजाओं ने, मेवाड़ के हमारे राजाओं ने इस मेवाड़ की धरा पे जो ऐतिहासिक किले बनवाए हैं, दरवाजे बनाए हैं, पोले बनवाई है, वो अपने आप में कहीं कहीं आज भी हमारे राजा महाराजाओं की याद को समेटे हुए हैं। तो ये राम पोल जो है काफ़ी सकड़ी है और इस राम पोल में आप देखें कि यहाँ पे घुड़सवार जाते थे और लोग जाते थे। हाँ, वो
ज़माने में घुड़सवार जाते थे यहाँ से, राजा महाराजा वगैरह सब जाते थे। अच्छा, कहाँ चलना अपन को? ऊपर। तो आइए सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हैं और जानते हैं चित्तौड़ के ऐतिहासिक किलों महलों के बारे में। हमारे बड़े भाई साहब श्याम जी भाई साहब जो कि हमें सैर कराने के लिए लेके आए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लगातार समाज के हर समाज में अपना सहयोग देते हैं। जहाँ भी जागृति करनी हो, समाज में विकास का काम हो, आज भी हम तत्पर लगे हुए हैं। हमने अपने समाज की कार्यकारिणी बना के भी देख ली, यहाँ पे भी बहुत प्रतिस्पर्धाएँ हमें मिली। क्यों ना हमने सोचा कि क्यों ना हम दुखी तो हैं लेकिन हम उनका दुख दूर करें जो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। तो हमने सोचा है कि हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला संगठन है उसके हमने बल दिया है और लगातार हमारे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ जो है संगठन, उसके माध्यम से हम जन जागृति करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बड़ाई ना करे बड़ी न बोले बोल, रहमन हीरा का कहे हमारे मोल, कबीरा लाख हमारे मोल। चित्तौड़गढ़ के इस किले के पास में पहुंच गए हैं। महाराणा कुंभा जी ने देखी है, हमारे मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा ये विजय स्तंभ बनाया गया है, इसके हम दर्शन कर रहे हैं। बोलो कहाँ? तो ये है हमारा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की पावन धरती पर आज पहुंचने का अवसर मिला है। पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होई कबीरा। तो हमने आपको दिखाया है आज खूबसूरत चित्तौड़गढ़ का ये किले का सामने दृश्य है। काफी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं, खूब घूमने का आनंद भरपूर उठाते हैं।